जी अपना थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन दें। सर जी के पाठक, मैं रामपुर जनपद से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। आपका जी मैंने मिशन कार्यक्रम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। अच्छा, मैं पहले तो मैं आपको भी पाठक जी ये बताना चाहूंगा कि हमारा हर सर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है, तो आप जो जी भी बात करेंगे वो गंभीरता से करेंगे और जिम्मेवारी बिल्कुल से करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी सर यहाँ पर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जी सैल्यूट तिरंगा नाम का एक सामाजिक संगठन बहुत लार्ज स्केल पर कार्य कर रहा है। इस समय 24 राज्यों में उसका अपना चल रहा है कार्यक्रम। राष्ट्रीय जनहित के लिए, देश की एकता अखंडता सामाजिक समरसता के लिए मिलकर प्रयास करती है। आपका मैं मिशन देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जा आपसे नमस्ते कर ली जाए। सर तो क्या उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हुआ है, इसका सभी प्रदेशों में इसका सर विस्तार है, सर लेकिन बेसिकली हम इसको बिल्कुल अलग ढंग से करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं इसमें, जैसे सर आपकी संस्था है, ऐसी सभी संस्थाएं अपना मूल कार्य करते रहें, जो भी उनका मूल कार्य है, बिल्कुल इसके साथ में ही वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े, बिल्कुल। क्योंकि ये मिशन जो है एक हम ऊर्जा के फॉर्म में उसे देख रहे हैं। क्योंकि आ, आ, आप मुझे नहीं मालूम है कि किस हद तक आप मुझसे सहमत हैं, नहीं हैं। नहीं मैं सर सहमत हूँ आपका। मैंने बहुत देख करके, स्टडी करके ही फिर मैंने आपको फोन किया था। हाँ, बहुत दिनों से मैं आपका देख रहा था एक्टिविटीज के लिए, तभी मैंने सर आपको फोन किया था। अच्छा, तो जी मैं इसमें थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ जी जी कि जी अभी की जो व्यवस्था है, जी लोग आगे कह सकते हैं कि हम लोग समय के बाद जो है नेहरू जी की भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत बारीकी से तथ्यों का और प्रशासन से इतने लंबे समय तक जुड़ा रहने के बाद, और कश्मीर में तो मैं पदस्थ भी रहा हूँ, बिल्कुल आज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर, जी 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 तो मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि इस देश के साथ आजादी के नाम पर दुष्टता हुई है। आप, बिल्कुल आई डोंट नो आप कितना मुझसे सहमत हैं, नहीं असहमत हैं, लेकिन ये शुद्ध दुष्टता है, ये बेसिकली अंग्रेजों की चाल थी। आपको ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों ने अपनी मकारी, अपनी बदमाशी से किया, और ओरिजिनली में ये ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए जो डेट नियत थी वो 1948 थी। 1948 राइट राइट बिल्कुल। हाँ, और चारों तरफ से इतने भयानक वातावरण जनरेट हो गया जिसमें कि जो हमारी नेवी है उसने जो है विद्रोह कर दिया कई जगहों पे, पुलिस ने भी कई जगहों पे जो है ना अंग्रेजों के आदेश मानने के लिए बंद कर दिया, पोस्टल सर्विसेज ने आदेश मानने से मना कर दिया, बिल्कुल और जो आपके पोस्टल सर्विस है उन्होंने तो पूरा जो है ना, चूंकि पोस्टल सर्विस का उस समय में बहुत बड़ा बहुत महत्व योगदान था, था, क्योंकि योगदान रहता था। क्योंकि संचार पूरा वो पोस्टल सर्विसेज से ही जुड़ा हुआ था, बिल्कुल तो उसने भी विद्रोह कर दिया। यहाँ पर अंग्रेजों की अपनी जो कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमी टूट चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, और इन हालातों में बहुत डरे हुए थे, और जो आपकी आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद सरकार थी, आजाद हिंद बैंक आदि, और जिस गति से वो लोग उससे जुड़ रहे थे और वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे, वो भी जो है अंग्रेजों में बहुत बड़ा है उसका काम किया। और हाँ जब आजाद हिंद फौज पकड़ी गई और उसका रेड फोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था, तो इनके जो कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लो, उन्होंने कई जी जी चिट्ठियां उस समय जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो कि लॉर्ड बॉबिल थे उनको लिखी, जी जिसमें जी जी उन्होंने कहा कि हम लोग जो है बहुत छोटी मोटी चीजों पर भारतीयों को फांसी पे लटकाते रहे हैं, यह भूल जो है अब आजाद हिंद फौज के बारे में ना की जाए, अन्यथा जो है अंग्रेजों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि आजाद हिंद फौज जैसा जो है ना बड़ी मतलब कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई के बावजूद भी आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो है वो रोक दिया गया था, ट्रायल नहीं किया गया, और नेहरू जी काला कोट पहुंच गए और ड्रामा करने के लिए, और उनकी आजाद हिंद फौज के साथ कोई सिंपैथी नहीं थी। यदि थोड़ी भी सिंपैथी होती
तो वो उस फौज को रिहैबिलिटेट करते, उसको पेंशन देते, उसको कुछ करते, लेकिन उन्होंने जीरो दहली पर का काम नहीं किया। उनका यह कृत्य भी इस बात को दर्शाता है कि उनकी आजाद हिंद फैज से कोई सिंपैथी नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, एटली जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद भी कहा, जब उनसे पूछा गया, जस्टिस चक्रवर्ती जो कि उस समय गवर्नर थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा कि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए थे तो ऐसी हमारी क्या मजबूरी थी, हमने क्यों जो है भारतीयों को इंडिपेंडेंस देने की बात सोची, आपने क्यों भारतीयों को इंडिपेंडेंस देने की बात सोची। जी जी जी। उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए नेहरू और गांधी जिम्मेवार हैं, तो उन्होंने कहा हार्डली, राइट। और फिर उन्होंने इसके चार कारण बताए थे, एक आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, देन जो है नेवी और युवाओं की और बाकी विभागों की बगावत, और ये सब कारण उन्होंने उसमें बताए थे, राइट। बिल्कुल। और जो कमांडर इन चीफ था उसने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि जो चारों तरफ बगावत हो गई, यदि हमें ब्रिटिशर्स को लेके बचा के भागने की जरूरत पड़े तो हम कैसे भागेंगे, ये इस बात को दर्शाता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे। और जब अंग्रेज डरे हुए थे उस समय दुष्ट लोगों ने, जिनको हम जो है ना पूरा श्रेय देते हैं कि उन्हीं के कारण जो है इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने इस देश के साथ विश्वासघात किया, अंग्रेजों की सोच का संविधान बनाया, अंग्रेजों की सोच से जो है ना इसको दो देशों में बट जाने दिया, अंग्रेजों के द्वारा चुने हुए जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और उस प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसी लॉर्ड माउंटन को बना के रखा। और इसके बाद जो नियम कानून, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों ने आपके डेवलपमेंट के लिए और आपके जो है ना भले के लिए कानून बनाए हुए थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक उसमें छलावा दिखाई देता है आपकी सोच के लिए। सर पहले तो सैल्यूट मेरा, क्योंकि जिस विचारधारा को हम चिंतन मनन करते हैं आपने तो बिल्कुल दर्शन करा दिए उस विचारधारा के हमारे लिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो इन्होंने नियम कानून बनाए थे दुष्ट नेहरू ने, उन सभी नियम कानून को बिना किसी परिवर्तन के यथावत को रखा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर वन। नंबर टू, जो मशीनरी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, जिस तक का कल तक मैं भी हिस्सा था, वो मिशनरी को जो है ना लॉर्ड बना के यथावत क्यों रखा, उसे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लाई? आज भी जो है आपकी पूरी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, वो सभी लॉर्ड हैं। यह निर्णय लें तो इनकी मर्जी, निर्णय विलंब से लें तो इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, घूस खा के निर्णय लें तो इनकी मर्जी, इनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए आप जो है आपकी चप्पलें घुस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ। और ये जो काले नेता जो है, बताइए ये नेता जो है ना, आप इनके चारों तरफ देखिए, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनका चरित्र ऐसा है कि वो हमको रिप्रेजेंट करें, उनकी शिक्षा, उनकी सोच, उनका चरित्र, उनका जज्वा, उनका देश का विकास, देश के प्रति समर्पण। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये जो है ना, ये कैसे हमारे ऊपर थोपे गए, आपको मालूम है ये कैसे थोपे गए? मैं थोड़ी देर से बताता हूँ, पहले उसके पहले ये बताना चाहता हूँ मैं कि 42% अभी जो 2019 में हमारा पार्लियामेंट गठित हुआ है, इसमें हर व्यक्ति को एक अपना एफिडेविट देना पड़ता है, अपना खुद का एडमिशन देना होता है कि उसके क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। तो उस एडमिशन के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है आपराधिक रिकॉर्ड है, राइट। और उसमें से 29% के खिलाफ जघन्य अपराध हैं, बहुत गंभीर अपराध हैं, हत्या के, अटेम्प्ट टू हत्या के, रेप, बलात्कार, किडनैपिंग के। जी 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 जी। तो मैं पाठक जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए, उस देश में कानून के निर्माता बनने के लिए आपको साला अनपढ़, गमार, दुष्ट, अपराधी, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों आपके कानून के निर्माता होना चाहिए? अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून के निर्माता कैसे बन रहे हैं। इस दुष्टता में नेहरू की जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाने की दुष्टता है, उस दुष्टता से पार्टियां पैदा की गई। इन पार्टियों को जानबूझ के कोई, हमने ऐसा जो है कानून नहीं बनाया जिससे इन पार्टियों का के अंदर पहले इंटरनल डेमोक्रेसी होती,
दूसरी बात इनका राष्ट्रीयता रहती, ये एक देशद्रोह और देश को तोड़ने जैसे जो है ना जात जात और धर्म में बांटने और जैसे बदमाशी वाले कृत्य ना कर पाते, ऐसा कोई प्रावधान इस दुष्ट ने जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में नहीं किया। वही और इसमें जो है ना सनई सनई वो सब चीजें जोड़ दी गई जिसमें पार्टी भिप भी आ गई है। तो आज जो है चाहे आपके चुने हुए व्यक्ति जिसको आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव या जनप्रतिनिधि कहते हैं वो आपको कितना रिप्रेजेंट करता है वो आप समझिए कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या दारू को रिप्रेजेंट कर रहा है या साड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है या मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे नहीं मालूम है ये आपने, लेकिन जो भी है चूंकि वो आपके वोट से चुना हुआ है तो आपका प्रतिनिधि है। मैं आपसे सिर्फ पाठक जी ये पूछना चाहता हूँ आपका प्रतिनिधि क्या आपको या अपने आपको खुद को वो पार्लियामेंट में अपनी बात कह पा रहा है आपकी बात कह पा रहा है क्या? संभव ही नहीं है सर, बहुत संभव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सर, बहुत हाँ, सही शब्द का यूज किया कि संभव नहीं है। वो पार्टी विप से बंधा हुआ है, वो अपनी मेंबरशिप ही खो देगा। अब सवाल उठता है कि चलो अंदर वो पार्टी विप से बंधा हुआ है तो क्या पार्लियामेंट के बाहर जो है आपकी बात कह पा रहा है? तो वो वहां भी नहीं कह पा रहा है क्योंकि वहां वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है और वो चाहे चरित्र में बहुत बड़ा अपराधी क्यों ना हो, आप उसको देख के जो है ना डरते क्यों ना हो, आप उसको बहुत ही जो है ना शक्तिशाली क्यों ना मानते हो, लेकिन आपका वो शक्तिशाली व्यक्ति जो है ना अंदर से अत्यंत ही डरा हुआ प्राणी है और उसे यह भय सताता रहता है कि जो भी टुकड़े उसको मिले हैं चाहे अच्छे डिपार्टमेंट के फॉर्म में मिले हैं कहीं वो भी उससे ना छिन जाए, तो वो इस भय में ग्रस्त होके जो है ना राष्ट्र की तो बात कर ही नहीं पाता है। तो चाहे वो हमारे चयनित प्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, ये सब जो है अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं और अपने हित के लिए किसी ना किसी पार्टी का बिल्ला अपने ऊपर रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा। अभी आपने सर उत्तर प्रदेश में एक देखा होगा अमिताभ साहब का प्रकरण पूरा आपके संज्ञान में होगा। कौन सा वाला? जो अमिताभ ठाकुर साहब वाला प्रकरण जो चल रहा है इस समय वो आपके पूरे संज्ञान में होगा मैटर, जो आईजी साहब थे यहाँ पर। आपका क्या कहना है? आपकी मैं आपके पब्लिक के मुंह से सुनना चाहूंगा उसके। हाँ मैं सर ये कहना चाहूंगा कि वो उनसे हमारे सीधे सीधे कॉन्टेक्ट थे और बहुत ही एक ईमानदार छवि के अधिकारी थे वो। अच्छा। बस केवल जो आपकी विचारधारा है जो उन्होंने किसी को बस फर्जी जरा सैल्यूट में उन्होंने विश्वास नहीं किया और बस यही चाहते थे कि देश में जो आज हो रहा है सब कुछ हो रहा है उसका उन्होंने मुकाबला करने की प्रयास किया था। तो तमाम उन्होंने बहुत बड़ी गलती करने की कोशिश की है सर, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों की है? देखो जब भी भारत में आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ है तो क्या हम असुर के पास जाके कहेंगे तू असुर है? कहा क्या कभी? नहीं कहा अभी। नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहते काने को कानों कहे तो कानों पड़े टूट और नाक को खोज मिटायो, तो वो जो कहानी है यदि हम असुर को असुर कहेंगे तो वो ऐसा पटक के मारेगा कि आपकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, उनके साथ वही हुआ है। हाँ तो फिर हाँ, तो, नहीं अब मैं उसको देखो एक्चुअली मैं समस्या के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आई ऑलवेज टॉक ऑफ द समाधान। बिल्कुल मैं सिर्फ समस्या का सिर्फ लिए सहारा लेता हूँ जिससे हाँ। समस्या की समझ बन सके, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा समाधान तक जाके रुकता है। समाधान के नीचे हम पहले रुकते ही नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो है पुराने समय में जब भी आसुरी शक्तियां बहुत बलवान होती थी तो हम उनका मुकाबला कैसे करते? आप बताइए पाठक हैं आप तो पंडित जी हैं। नहीं सर मैं आज तो आपसे ही सुनना चाहूंगा। अच्छा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि आप मुझे बात को जो है ना करोबरेट करिए कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो लोग तपस्या करते थे और वो तपस्या के माध्यम से शस्त्र अस्त्र प्राप्त करते थे, वरदान प्राप्त करते थे, देवियों को खुश करते थे और फिर ब्रह्मास्त्र से वस्त्र और वरदानों से जी सज्जित होके फिर वो आसुरी शक्तियों को नष्ट करते थे। बिल्कुल। आसुरी शक्तियों से समझौता नहीं करते थे, युद्ध करते थे और अब ये कहा भी गया है कि जो अत्याचार करता है वो उतना दोषी, अत्याचार सहने वाला भी उतना दोषी है। और गांधी जी वाली बात कभी किसी ने नहीं कही कि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ करे तो दूसरा जो है ना गाल कर दो, ये कायरता की निशानी है और भारतीय वैदिक ज्ञान के विरुद्ध में है।
बिल्कुल मैं जो है ना इस का घोर जो है ना अपोज करता हूँ, ये कायरता। हाँ, ये उस समय बुद्धिमानी हो सकती है जब आपको लगता है कि दूसरा गाल करके जो है कुछ समय के लिए आप अपने शत्रु को मूर्ख बना सकते हैं, उतने के लिए तो ठीक है। देन इट इज नॉट ए ऑफरिंग द सेकेंड गाल, देन इट इज ए स्ट्रेटेजी टू डिफीट योर एनिमी, है कि नहीं? तो आसुरी शक्तियों को हराने के लिए जो काम जो है वरदानों और तपस्या के माध्यम से हमारे जो है ना पूर्वज करते रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, अब आज की डेमोक्रेसी में वही काम जो है ईश्वर के माध्यम से करना है, जनता के माध्यम से करना है, राइट? अब बेचारी जनता को तो आपने गुलाम बना के उसको अंदर से इतना त्रस्त कर दिया है कि आप जो है उस जनता को क्या करेंगे, बताइए आप। तो उस अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उस अधमरी और गुलाम जनता के अंदर एनर्जी का संचारण करना है, एनर्जी बढ़ाना है, और जैसे एक मैग्नेट जो है बगल में पड़े हुए लोहे को बिना जो है ना उसमें कोई चीजों को मूव किए उसके सब कण को अपनी ही जगह पर रीओरियंट करके चुंबक बना देता है, फिर वो चुंबक दूसरे को चुंबक बनाता है, फिर वो बगल को चुंबक बनाता है। इसी पद्धति से हमें ऊर्जा का संचारण करना पड़ेगा। हमें कुछ समय तक ना सरकार से बात करना चाहिए, ना ब्यूरोक्रेसी से बात करना चाहिए, हमें शक्ति संधारण करना चाहिए। और फिर शक्ति संधारण होने के बावजूद भी हम जो है ना जनता में वो एनर्जी और उसका पूरा सॉल्यूशन बनाए, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहेंगे, उसे उसी जनता के मुंह से कहलवाया जाए। और आप बताएंगे वो कैसे कहलवाया जाएगा, तो वो हमने चीज कॉपी की है माननीय नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय जो थाली बजाई उसे हमने एक बहुत बड़ा जो है ना एक संचार का और कम्युनिकेशन का साधन माना। उन्होंने तो हौसला अफजाई के लिए किया था, लेकिन हमने उसको हौसला अफजाई नहीं, हम उसको यूज कर सकते हैं जनता का शासन से सीधा संवाद बिना किसी इंटरमीडिएरी के। तो जो चीज वो क्राइम फ्री भारत जो है जनता की एनर्जी से एनालाइज करके जो समाधान निकालता है, उसे जनता की ही थाली जनता के ही दीपक के साथ जला के, और यदि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से शासन को कहा जाए कि हम ये चाहते हैं और आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने आपको बहुमत से जिताया हुआ है, आप कायरता का परिचय मत दीजिए, आप जो है डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए, यदि कुछ दुष्टों ने अपनी दुष्टता का परिचय देखे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गड़बड़ियां की हैं, आपको वो सब गड़बड़ियां उसी मंदिर में बैठ के ठीक करना होंगे, ये आपके सही चरित्र का परिचय है। अब सवाल उठता है कि वो आपकी बात क्यों मानेंगे? बिल्कुल क्यों मानेंगे, आप कौन होते हो? अरे मैं 5,000 करोड़ की पार्टी हूँ, मैं जो है ना बड़े मुश्किल से जीता हूँ, मुझे 303 जो है ना सदस्य हमारे जीत के आए, तुम कौन से खेत की मूली हो, राइट? तो आपकी बात क्यों सुने? तो उसके लिए हमें उनको बेबस करना होगा। फिर वो कहेंगे साले तुम कौन होते हो बेबस करने वाले, तेरी औकात क्या है जो हमको बेबस करेगा? तो उसका तरीका ये है कि ना हम आपके प्रोग्राम में जाएंगे, ना हम अपने प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, ना हम आपके दरबार की शोभा बनाएंगे, और यदि आप और आपका कोई प्रतिनिधि जो है हमारे क्षेत्र में आएगा, और जब आपकी यदि संख्या 50 और 100 करोड़ होगी, क्योंकि वो शक्ति का संधारण तो आपको करना होगा, बिना शक्ति के संधारण के जन ऊर्जा का पैदा किए हुए आप इस देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो यदि आप 50 करोड़ या 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, और वो तभी पहुंच पाएंगे जब सभी लोग जो है अपनी अपनी बीन बजाते रहें, लेकिन अपने बीन के साथ साथ वो क्राइम फ्री भारत से भी जुड़े, तो जो है ना हम आसानी से बहुत जल्दी उस एनर्जी का, हर कोई अपने आप में एनर्जी का केंद्र बने, और आसपास में जितने भी और जो है ना लोग अवेलेबल हैं वो एक दूसरे का एनर्जी का केंद्र बनाते बनाते यदि हम एनर्जी को चारों तरफ जो है ना स्प्रेड कर देंगे, तो हम 3-4 महीने में 25-50-100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इस और ये जर्नी और आसान हो जाएगी जब जब जो है ना सभी पार्टियां सभी जो है संगठन अपना जो मूल काम कर रहे हैं वो करते रहे, उनके मूल काम करने से इस देश का कोई ज्यादा भला होने वाला नहीं है, वो उसके साथ साथ यदि ऊर्जा संवर्धन में क्राइम फ्री भारत के मिशन और ऑब्जेक्टिव से यदि जुड़ेंगे, तो संभवतः हम जनता को जगा पाएंगे, जनता को विश्वास दिला पाएंगे, जनता की ऊर्जा पैदा कर पाएंगे। यदि 100 करोड़ लोग जो है
जिस रात को दीपक जला के थाली बजाएंगे वो जो है इन अंधे और बहरे जो है राजनेताओं और जो है ना अपराधी राजनेताओं को भी सुनाई दे जाएगा। और यदि अपने अहम में वो फिर भी जो है ना मदमस्त रहते हैं, चूर रहते हैं, फिर तो क्राइम फ्री भारत मिशन को मजबूरी में क्राइम फ्री भारत के रूप में अवतरित होना ही होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपके सर अच्छा दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि इसमें जो है फिर जो 100 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे ही रिक्वेस्ट किया जाए कि आप जिनकी भी कर्मयोगियों को जानते हैं उनके बारे में सूची दीजिए, हम लोग जो है कर्मयोगियों से जो है ना उनके उनके पास जाएं, उनकी डिटेल लें, उनका अध्ययन करें और उनमें से 545 कर्मयोगियों को बिना चुनाव प्रचार के जिताएं और इन लोगों को जो अपने अहम में चूर हैं, अधिकांश अपराधी हैं, इनकी सोच अपराधी है, अपने लिए जिंदा वो रह रहे हैं, इनको जो है इनके ही गेम में हरा कर और 5 साल जो है लगे तो 365 दिन जो है पार्लियामेंट को चलाया जाए और जितने नियम कानून और जो चीज भी करना है इंक्लूडिंग मेकिंग दीज लॉर्ड्स अकाउंटेबल, हम जो है हमारी बहुत सारी चीजें हमने सोची हुई हैं जिसमें एक है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र, क्योंकि ये पार्टियां तो जो है ऐसे ही चलेंगी राइट, तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र इज द ओनली आंसर। फिर आपने आई डोंट नो मेरा वीडियो सुना है कि नहीं सुना है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के बाद हम कहते हैं कि हमें जो है वैसे तो हम क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ टैक्टिकल कारण से हमें पहले साइबर क्राइम मुक्त भारत चाहिए जो बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, उसके लिए बहुत ज्यादा कोई तकलीफ ही नहीं है, मतलब वो तो सिर्फ लचर व्यवस्था को दूर कर देंगे उतने में ही साइबर क्राइम मुक्त भारत हो जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम सिर्फ दुष्टता के कारण हो रहा है, अदरवाइज डूइंग साइबर क्राइम इज नॉट ए ऑप्शन, और हमारे दुष्ट लोग जो है साइबर क्राइम के अवेयरनेस के नाम पे खूब पैसा पीट रहे हैं राइट। तो साइबर क्राइम मुक्त हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम जो है करेंसी पेपर करेंसी मुक्त भारत चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर करेंसी मुक्त जैसे ही आप करेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ना तो जो है ना टेररिज्म में पैसा पहुंचेगा, ना ड्रग में पैसा जाएगा, ना नक्सलाइट के पैसे के पास पैसा पहुंचेगा, जो जो एनजीओ टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हैं जो कि देश को बांटना चाहते हैं ना उनके पास पैसा पहुंचेगा राइट, ना हवाला से पैसा मूव होगा, तो हम एक स्ट्रोक में वो सब समस्याओं को दूर कर पाएंगे। इसके बाद क्राइम फ्री भारत का अपना विजन है कि हमें कर मुक्त भारत लाना है, कर मुक्त भारत बहुत आवश्यक है, क्या बात राइट, तो कर मुक्त यदि भारत कर देंगे तो लोग महंगाई के उससे जो है ना नीचे आ जाएंगे, लोगों का जो है ना 50% जो है पैसा तो जो है वो कर में ही चला जाता है, तो हमारी जो है जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, हम महंगाई के मार से बच जाएंगे और कोई हमें चोर नहीं कह पाएगा। आज जो है जिसका दिल करता है वो आपको चोर कर सकता है, थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं और वो भी कोई चोर तो है नहीं, वो व्यवसायी है, तो जो है ना उनको आप जो है उनको रेड करते हैं, उनको बंद कर देते हैं और कई बार सीबीआई के और बाकी लोग उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि बहुत सारे लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दुष्टता क्यों, ये तो अंग्रेजों ने जानबूझ के ऐसा किया था। अब आपको मैं बताता हूं कि यदि हम जो है टैक्स फ्री भारत कर देते हैं और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना या उससे ज्यादा पैसा आता है तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, आप बताइए होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी देखो एक काम जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कर दिया, उसने क्या किया, एक फीचर फोन से फोन पे चालू हो गया है। अब जो है आपको फोन पे से पेमेंट करने के लिए आपका सिंपल जो वो जो बेसिक यूनिट है वो भी काम करेगा। अच्छा, ये 3 दिन पहले जो है ये व्यवस्था आरबीआई ने लॉन्च कर दी है। जी जी, जिसको कहते हैं फीचर फिल्म बेस्ड फोन पे सिस्टम, जो SMS ड्रिवन होगा और ये जो है सिंपल फोन से जो कि स्मार्टफोन नहीं है उन पे भी किया जा सकेगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हर भारतीय को सरकार जो है इतनी फालतू की फ्रीबी बांटने की बजाय 5 चीजें जो है ना, जैसे सिख के 5 निशान होते थे ऐसे हर भारतीय के 5 निशान, तो वो भारतीय के 5 निशान में आपको सुनाता हूँ पाठक जी, आपको मजा आएगा। पहला निशान है उसका आधार नंबर, तो ये दुष्ट मवालियों को जो दे दिए जो कि विदेशी हैं घुस गए हैं, ममता बनर्जी जैसे लोगों ने और कुछ दुष्ट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर जैसे लोगों ने उनको
रोहिंग्याइयों को जो है आधार कार्ड दे दिए हैं और सब कुछ दे दिए हैं, ये दुष्टतापूर्ण चीजों की जो है ना जांच करके उनको तो अपन ठीक करें ही करें। आधार कार्ड हर किसी के पास, आधार हर किसी के पास होना चाहिए। अब तो काफी लोगों के पास हो ही गया है, जो नहीं हुआ है वहां मुहिम चला के उनके घर जाके उनको आधार कार्ड दिया जाए, राइट। बिल्कुल। दूसरा, हर व्यक्ति का जो है ना जनधन योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके बैंक खोल दिए हैं, जो नहीं हुए हैं सब बैंक वालों की ड्यूटी लगा दिया जाए। तो 3 लाख जो गांव हैं उन गांवों में बिल्कुल घर घर का सर्वे करके हर किसी का जो है ना एक बैंक अकाउंट खोल दिया जाए, राइट। माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने उसमें इंश्योरेंस से लेकर बाकी बहुत सारे फायदे दे ही दिए हैं, तो वो फायदे एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे तो वो काम जो है ना 100% करें, मतलब उसमें एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, राइट। देन उसके पास एक डेबिट कार्ड होगा और एक क्रेडिट कार्ड होगा, अच्छा, राइट। सो दैट जो है उसे जो है वो डिजिटल उसका वो होगा, और उसको एक जो है यदि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है तो मोबाइल फोन फ्री भी स्कीम के तहत मुफ्त में हर भारत के नागरिक को पात्रता होगी कि उसे वो दिया जाएगा, और वो नंबर उसका जो है वो परमानेंट रहेगा। और उसके पीछे मकसद है कि हम एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा कर रहे हैं जो कि आपको राइट टू प्राइवेसी देगा और अपराधियों का कुछ उससे छिपा नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि अभी जो बुरी व्यवस्था है ये दुष्टों और अपराधियों के लिए है, तो जो है हम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो प्राइवेसी की बात करते हैं, ये प्राइवेसी की बात नहीं करते हैं, इनके अपने लंगोट फटे हुए हैं, उस फटे हुए लंगोट को छिपाने की बातें करते हैं। इन्हें मालूम है कि ये जितना खर्च कर रहे हैं यदि उसका सम टोटल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उनकी जो है वेतन से कई गुना ज्यादा है। कहां से आ रहा है वो घूस का है, भ्रष्टाचार का है, अनैतिक है। तो ये दुष्ट लोग जो है इस भ्रम से डरे हैं कि साला बोले मौत का डर नहीं है, यमराज ने घर देख लिया इसका डर है। हाँ, ये सब इसी बात में दुबले हो रहे हैं, राइट। तो हम जो है हमने एक एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ड्राफ्ट बना के भेजा है जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 20 सितंबर 2020 को हमने BPRND के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है। जी जी। और ये जो है ये राइट टू प्राइवेसी को जो है ना गारंटी कर रहा है, लेकिन उसकी पीछे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहेगी वो जैसे ही आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे उसकी रिपोर्टिंग भी करेगी। और यदि जो है इस अथॉरिटी का चेयरमैन खुद जो है ना आपकी कोई बात लीक करेगा पुलिस और कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली पीछे का AI ही भेज देगा, तो उसी की पीछे की AI उन जो है अपने चेयरमैन के अगेंस्ट जो है वो FIR भी दर्ज करा देगी, उनकी लोकेशन भी बता देगी, और वो संगे अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, और 7 साल की मिनिमम सजा होगी, और वो सजा जो है वो कॉन्करेंटली नहीं चलेगी, कॉन्जिक्यूटिव चलेगी। तो उसमें यदि 3 इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो 21 साल के लिए चेयरमैन महोदय जेल चले जाएंगे। हमारी व्यवस्था में जो इन पदों पर बैठे लोग हैं वो अपने छोटे मोटे लाभ के लिए इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप सहमत हैं पाठक जी? बिल्कुल सर, मैं एक बात से सहमत हूँ। मेरी सर 56 वर्ष की उम्र है, मैंने बहुत अच्छे लोगों का टच रहा है, लोगों के बीच में रहा, मैंने देखा समझा सुना एक एक को, मैंने तो आज पहली बार जो बड़े बड़े लोग हैं ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बहुत ही छोटे क्षेत्र के लोग हैं जो हमेशा अपने लाभ को देखते हैं, जिन्होंने मलाईदार जगह की पोस्टिंग पाने के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, जो अपनी नौकरी के दौरान कुछ नहीं करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी जो है किसी पद की लालसा में किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, जो ऐसा नहीं कर भी रहे हैं वो अपना समय जो है गोल्फ खेल के, रमी खेल के, बेबी सेटर बन के पास कर रहे हैं, उनके पास जो अपार ऊर्जा है, अपार ज्ञान है, यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के ऊर्जा के संचार में जुड़ेंगे तो यह काम और भी सुगमता से हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों से कुछ भी अपेक्षा करना मेरे ख्याल से एक मूर्खता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं 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 सर ऐसा नहीं, हमारे समाज में अपार स्वरूप भी हैं, आप जैसा व्यक्ति। तो हम कह रहे हैं कि सुन के जो है ना जो जो आपसे जुड़ जाए, जिसकी एनर्जी जागृत हो जाए, उसको ऊर्जा का केंद्र डिक्लेयर कर दो, क्योंकि कोई बड़े पद पे रहा है और ये रहा है उसको उसकी तरफ मत देखो। हाँ, जैसे आपने जो है ना, देखिए मैंने तो आपसे नहीं कहा, आपने आपका फोन मेरे पास आया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है ना एनर्जी तो आप में जागृत हुई,
तो मैं तो उसी एनर्जी पे ही काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि हम सत्ता के पास नहीं जाएंगे, हम उनको ज्ञान नहीं देंगे, हम समाधान बनाएंगे, लेकिन वो समाधान पब्लिक की थाली, पब्लिक के दीपक और पब्लिक में उसके वीडियो के माध्यम से करेंगे। पब्लिक जो है ना वो शासन को बताएगी, नहीं नहीं, और यदि वो शासन जो है ना उसे नहीं सुनेगा तो शासन को नष्ट कर देंगे। देखिए ये डुएबल है कि नहीं है बताइए, पहले तो बताइए कि मैं जो है कपोल कल्पना कर रहा हूँ या पूरा समाधान बता रहा हूँ। नहीं आप समाधान बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका समर्पण और आपका ये जो जो देश के प्रति जैसा सोच है, निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर आगे जाएंगे। और ऐसा नहीं है सर, है लोग बस, लेकिन लेकिन मेरा उसमें सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आपका जो भी मूल उद्देश्य है वो छोटा है, राइट। कोई जो है ना किसी अस्पताल में खाना खिला रहा है, कोई चार दलित बच्चों को, इन बच्चों को, गरीब बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, हर कोई छोटा मोटा अच्छा काम जरूर कर रहा है, मैं आपको बताऊं। और लेकिन वो छोटा काम करते रहिए आप, लेकिन अपने आप को ऊर्जा का केंद्र बना के जो क्राइम फ्री भारत वाली बात कह रहा है, जिसके तहत हम संविधान में आवश्यक संशोधन करेंगे, कानून में जो ना संशोधन करेंगे, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में सेपरेशन लेके आएंगे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी में अभी सेपरेशन नहीं है, वो सेपरेशन लेके आएंगे। और जो है जितने भी अभी हमने आपको बताए थे कि पार्टी भीन, प्रजातंत्र, वो सब जो है जितना भी अभी लाइन से बताते जा रहे थे पूरे भी नहीं हुए थे वो, हाँ। वो सब जो है जमीन पे उतारेंगे, और जमीन पे उतारने के लिए शासन के पास नहीं जाएंगे, शासन को पत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दुष्ट लोगों को वो आपका ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो अपने अहंकार में चूर रहेंगे, वो जो है दे आर डिक्टेटेड बाय द लॉबीज, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो चाहे बाहर की हो। अभी आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है कि नहीं, एक PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो दो PIL के बारे में मैं कहूंगा, एक PIL इसी बारे में थी कि कानून के निर्माता अपराधी क्यों, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और मैं भी जो है ना पार्लियामेंट को निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून बनाए जिससे कि कानून के अपराधी जो है कानून के निर्माता ना हो। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि 42% हो गए हैं, तो अपराधियों का ही बोलबाला है, बोलबाला है, कोई भी जो है ऐसा कानून बनाएगा नहीं, क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलामों के लिए कानून नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो जो शासक है वो अपने लिए अपना कानून बनाता है, अपने हित साधता है, इसलिए आपको जो है 2004 के बाद जो सरकारी नौकरी में उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये दुष्ट एक दिन के लिए भी सदस्य रह जाएंगे तो इन्हें जो है ना पेंशन मिलेगी। अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी को जो है ना 7 पेंशन मिल रही है, कल कोई कोई मुझे बता रहा था कि प्रकाश सिंह बादल की पत्नी को भी शायद 7 पेंशन मिल रही है, बताइए क्या दुष्टता है ये। ना चरित्र है, ना सोच है, ना वो है, ये इनके प्रकार जो है ना इस पार्टी व्यवस्था के तहत दुष्ट लोग जो कोई खड़ा करेंगे, दुष्ट लोग जीतेंगे, ये साले हमारे सिर पे बैठेंगे, ये कितना बड़ा अन्याय है यार। नहीं सर, मैं आपसे यही मैं वादा करता हूँ, निश्चित तौर पर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, आपको मैंने सुना और समझा भी है पूरी इंडिया से, चूंकि हमारे जो बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सर उद्देश्य बिल्कुल बदला हुआ है, जो मैं आज आपको सुना है और जहां मैं कार्य कर रहा हूं इस समय, बिल्कुल सबकी सोच ही है ही नहीं, सोच क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना करके लोगों में प्रसारित होकर के अपने को फेमस करके प्रचलित होकर नहीं, वो अपने लाभ की चीज देखिए, हाँ बिल्कुल अपने लाभ, यही सब हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि 2024 में हम पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप मजबूर करेंगे तब बनेंगे, नहीं तो हम तो आपको बेबस करके आपसे ही सब कुछ काम कराना चाहते हो, आपको ही अपने सिर पे बैठा के आपका ऐसो गान भी करेंगे, और ये जानते हुए कि आप दुष्ट हैं आपको दोबारा जुताएंगे भी, क्योंकि वो दुष्ट अच्छे हैं जो बेबस हो जाएं, वो दुष्ट खराब हैं जो अपने अहम और अहंकार के कारण जो है किसी को जो है ना कुछ भी ना माने और दुष्टता करते रहे, तो उससे तो वो दुष्ट अच्छे हैं, क्योंकि जिनको आप लेके आओगे उनमें क्या दुष्टता होगी तो आपको मालूम ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो, सही बात तो है। हम जो है जैसा कि भगवान राम ने खुद रामायण में कहा है ना कि बिनय न माने जलद जड़ गए तीन दिन बीत, तो बोले राम तकोप बस भय बिन होए न प्रीत, तो एज ए लास्ट विकल्प फिर जो है ना यदि इसके बाद अपने अहंकार में चूर होंगे तो पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में आप जो है आप कौन सा कम देशद्रोही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जोता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जो है कांग्रेस जो है ना मक्कार
और बीजेपी उससे महामकार, जो कि जो है बादल सिंह जैसे जो है, जिन्होंने अपराधियों से लेके हर चीज को ड्रग का सब काम किया है, ऐसे जो है ना लोगों के पैर छूते हैं तो ये कौन से अच्छे हैं। तो उसको लगा कि चलो आपको कम से कम एक ट्रायल देते हैं, इन दोनों से शायद ये ठीक निकले। और जो जो और जो है केजरीवाल ने इन्हीं दुष्टों के गेम में इनको परास्त किया है, और इन्हीं के इन्हीं उसमें भी दुष्टता की कोई कमी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन मुझे आज ही किसी से मेरी बात हो रही थी, अधिकारी से, उसने मुझे बताया कि जो है आपके जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे हैं, अधिकांश गरीब हैं लेकिन अच्छे चरित्र के लोग हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि पंजाब के जो आपके लोग जीते हैं वो जो है क्राइम फ्री पंजाब बनाने में जो है ना हमारे साथ आगे बढ़े, और हम जो है पंजाब को क्राइम फ्री बनाने में मदद करेंगे। हम योगी जी से भी निवेदन करते हैं कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से, क्योंकि वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, यदि वो जो है ना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश को हम क्राइम मुक्त कर पाएंगे, और यदि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है ना साबित हो जाएगा, और हम आसानी से फिर भारत को मुक्त क्राइम करने की बात कर पाएंगे। बिल्कुल है कि बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में इस समय कौन देख रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? तो प्रदेश में एक मोदी जी है, आईपीएस ऑफिसर है, वो जिनको जल गुरु भी कहते हैं, उनको जो है ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। हालांकि वो कुछ अपनी बेटी बेटी के काम से कुछ अभी जो है ना कॉम्पिटिशन वगैरह दे रही तो उसमें बिजी है, तो उतने सक्रिय नहीं है वो। लेकिन सर वो कुछ लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ में है। जी 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 जी, लखनऊ में है। हमें सर आदेशित करिए, और सबसे पहले देखिए मैं उसमें देखिए मैं अभी मेरी अभी सोच ये है कि हम लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाए, राइट। और आप अपने आप, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करे, राइट। उसकी जैसे मान लो आप जिस जगह पे हैं, यदि आपको जो जो लगता है, आप कहिए कि साहब मैं यहाँ का ऊर्जा केंद्र बनना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। तो आप कहाँ पे हैं अभी? आप? मैं रामपुर में हूँ। तो आप रामपुर के अज्यूम करिए, आप अपने हिसाब से यदि प्रदेश का समझते हैं तो प्रदेश का ऊर्जा केंद्र बन सकते हैं, राइट। और नहीं तो रामपुर का वो बन सकते हैं जिले का, और यदि जिला आपको लगता है नहीं जिला नहीं बनना है मुझे तो जो ना शहर का बनना है तो शहर का बन सकते हैं, यदि आपको लगता है नहीं मुझे तो मोहल्ले का बनना है तो मोहल्ले का, राइट। अब ये ऊर्जा केंद्र का काम ये है कि अपने आसपास के प्रभाव क्षेत्र के अपने से कम वाटेज के लोगों को जोड़ के उनको ऊर्जा केंद्र बनाना है चुंबक के सिद्धांत के ऊपर, राइट। और ये प्रक्रिया और उसको सबको एक शपथ लेना होगी कि मैं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ता हूँ और एक ऊर्जा के स्रोत के बतौर काम करूंगा। मेरा जो है ना इतने सारे कमिटमेंट हैं, लेकिन मैं 15 मिनट का, आधा घंटे का, या एक घंटे का समय, या 2 घंटे का समय हर रोज इस काम के लिए अपने बेस्ट शेड्यूल में से निकालूंगा और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से संवाद करूंगा, और सबसे पहले उन लोगों से संवाद करूंगा जो दूर है, राइट। तो यदि आप मान लो रामपुर में है और आपका कोई साथी केरला में है तो उसको आप पहले तवज्जो, क्योंकि आप वहां दीपक जलाना चाहते हैं, यहाँ तो आप कभी भी जो है ना आमने सामने बैठ के जला ही लें, राइट। बिल्कुल। तो वो करते हुए और फिर उनको शपथ दिलाना है इसी तरीके की, और वो जो है आपको भेजे और वो जो है ना इसी तरीके से वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी तो हम उसे डाटाबेस में डालते जाएंगे। और अभी उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। अच्छा, तो कितने लोगों को सब्सक्राइब कराया तो एक संगोष्ठी कर ली और उसको सबको जो ना वो वीडियो वीडियो दिखाए, सब लोग सहमत हो गए, तो भाई चलो भाई क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब हमारा ऐप लॉन्च हो जाए तो क्राइम फ्री भारत का एक नॉर्मल मेंबरशिप भी ले लो, ठीक है ना। बिल्कुल। और यही कार्रवाई हर रोज करना है, और हमें ये 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, जब जितना मैगी हम तो कह रहे हैं पूरी पूरी पॉपुलेशन को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना है, राइट। तो सबको जोड़ लो, ठीक है ना। फिर जो है उनको जोड़ने के बाद फिर उनसे कहना है कि भैया अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के कर्म योगी, नेता नहीं, कर्म योगी, जिनकी जिंदगी जो है कर्म के से परिपूर्ण है, जिन्होंने कुछ देखा नहीं, उनका उनका अपने आप में कर्म है, और हर क्षेत्र के कर्म योगी चाहिए, वकील, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, समाज सेवी, राइट। तो उन उनको जो है उनके नाम और नंबर दें, और फिर हम लोग जो है ना उनसे बड़ी इज्जत के साथ कांटेक्ट करें, उनकी सीवी कलेक्ट करें,
उनके ऑडियो वीडियो आपस में वो देखें और 545 लोगों को आइडेंटिफाई करने की कवायद अभी से चालू कर दें। हो सकता है कि उस कवायद की जरूरत ना पड़े, यदि इस वाइब्रेशन को लोगों ने फील करके यदि बेबस होकर अपना काम कर दिया तो अपन ना तो पार्टी के रूप में अवतरित होंगे और ना ही ये सब ड्रामा नाटक करेंगे। क्यों? क्योंकि आना ही पड़ेगा सर आपको। नहीं वो 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 वो, वो ये, ये ये जो है ना डिसाइड कौन करेगा? सामने वाले करेंगे, ठीक है ना। यदि वो बेबस हो जाएंगे तो फिर आपको क्यों आना होना पड़ेगा? यदि वो जब वो सब कर देते हैं जो आप कह रहे हैं तो फिर आप फिर तो आप सत्ता चाहते हैं। नहीं देखिए, फिर तो आपका स्वार्थ हो जाएगा ना। यदि आपका मकसद जो है ऑब्जेक्टिव रिजल्ट है तो वो रिजल्ट हासिल हो जाए तो फिर आप क्यों अवतरित होना चाहते हैं? नहीं सर, वो आज नहीं, अब वो ठीक है। आपका कहना है कि अपने अहम में इन दुष्टों को ज्ञान नहीं आएगा और वो नहीं सुधरेंगे तो अवतरित हो जाएंगे, लेकिन अवतरित होते वक्त ही आपको ये निर्णय भी ले लिया गया पहले से ही कि 5 साल के बाद आपको विलुप्त भी होना है। तो आप जो है नियम कानून में वो सब प्रावधान चेंज कर देंगे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल, ये सब चीजों को बदल देंगे, वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है करना क्या क्या है, राइट। तो वो क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है यदि मजबूरी में अवतरित भी होगी तो वो 5 साल में उसे विलुप्त होना पहले से ही तय करके रखा है, क्योंकि नहीं तो फिर वो भी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी ना। हमें तो डर ये है कि हम भी वही ना हो जाए जो ये है। हमें तो डर ये है। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं ये चाह रहा था कि आपसे मैं भेंट करना चाह रहा था। आप आइए, मैं भोपाल में हूँ, आप आइए। जब भी आप भोपाल में तशरीफ लाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, या मैं रामपुर पहुंचूंगा तो मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं तो आपको बुलाऊंगा ही रामपुर में। पहले मैं आपसे जरा एक बार व्यक्तिगत रूप से सर मिलना चाहूंगा। आप आइए, आपका स्वागत है। और सर मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। अब जी उत्तर प्रदेश में हमारे 9 बैचमेंट हुआ करते थे। जी जी जी, ठीक है ना। जैसे सुबेश कुमार सिंह जी है, ठीक है ना, आपके जो डीजी रहे हैं जावेद अहमद, भी हमारे बैचमेट हैं। सुतापा सान्याल हैं, एपी महेश्वरी हैं, रजनीकांत मिश्रा हैं, ठीक है ना, हरीश चंद्र जी हैं, ठीक है, और कौन रह गया है, और कौन था, और कौन था, और कौन था, और कौन था, ऐसे हमारे 9 साथी थे वहाँ, ठीक है ना। अब भी सर आपके तो जूनियर तो बहुत होंगे ही यहाँ पर यूपी में। हाँ हाँ, वो तो आप वो एक जूनियर सीनियरिटी का तो एक डिपार्टमेंट में चलता ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपने छोटे छोटे जो है ना चीजों में लगे हुए हैं। अब समय आ गया कि इस विशाल काम को हम करें और एक देश को समृद्ध देश में कन्वर्ट करें, जिसको जो कि कर मुक्त भी हो, क्योंकि कर मुक्त के कारण जो है इतनी महंगाई और इतना सब कुछ हो रहा है कि आम जनता में त्राही त्राही मची हुई। बिल्कुल सर, है कि हम बिल्कुल सहमत हैं। और तो क्या ये आप पाठक जी मुझे फिर शपथ लीजिए, पहले शपथ चाहिए मुझे कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है अपना जो है ना अंतिम लक्ष्य के तहत स्वीकार करता हूं और मैं अपनी एनर्जी का इतना परसेंट जो है ना इसमें लगाऊंगा, क्योंकि पूरा ऊर्जा केंद्र बनना है आपको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सर आपको सुनकर के जी बस ये समझे, मेरी 56 वर्ष की उम्र है और मैं पहली बार किसी को सुन पा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, जो मैं इतना जो आपने जो किया है, निश्चित तौर पर देश के प्रति सर आपका बहुत बड़ा समर्पण है। और काश इस इन उस पर अगर हम चल दिए और हमने अगर सफलता जरा भी हासिल की, निश्चित तौर पर देश बदलेगा, सोच बदलेगी। हालांकि ये भ्रष्टाचार और तमाम चीज समझ सकते हैं सर, आप तो बहुत बड़े अधिकारी के रूप में रहे हैं। ये सर ऐसे ये जो है ना पाठक जी ऐसे विलुप्त होंगे कि दिखाई नहीं देंगे, आप कहां चिंता में पड़े हुए हैं। हाँ सर, इतना इतना क्राइम इतना हावी है देश पर, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर। मैं, और आप बहुत अच्छे मिशन को लेकर चल रहे हैं कि क्राइम करना हावी तो बहुत दूर की बात है, क्राइम करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन। क्राइम फ्री भारत की 5 स्ट्रेटेजी हैं, वो उनको जरा देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोज हैं, 1000 वीडियोज हैं, तो आप उसको देखिए सुनिए, आपको जो है बच्चे क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। मैं 53 यूनिवर्सिटी के साथ काम किया हूँ, 13 जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। तो हाँ, मतलब जो है मैं तो जमीन पे समाधान लेके आऊंगा, मुझे जो ना किसी को समाधान बताना नहीं है। मैं सर बहुत ही अतिशीघ्र पहले आपसे मैं मिलना चाहूंगा, आपकी अनुमति होगी तो जरूर जरूर जरूर। इट इज ए प्लेजर। और सर बाकी पूरे भारत में 24 राज्यों में कहीं ना कहीं हमारे आपकी विचारधारा वाले भी हमारे साथ लोग हैं,
और जैसे मैं देखिए 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 पाठक जी, मैं चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है इतने वर्षों से कुछ कर रहे हैं, हाँ, और ओवरनाइट मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उस चीज को छोड़ के आप जुड़िए, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको यथावत करते रहिए, अपनी एनर्जी का कुछ परसेंटेज हमको डेडिकेट कर दीजिए, बाकी जो काम भी आप कर रहे हैं, यदि आप गरीबों को भोजन खिला रहे हैं तो खिलाइए, यदि आप अस्पताल में जाके भोजन बांट रहे हैं तो करिए, यदि आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो करिए, यदि आप खूनदान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, उसे छोड़ना नहीं है, उसको यथावत करते रहिए, अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है ना निकाल के इसको जो है ना ऊर्जा केंद्र बन जाइए, और ऊर्जा केंद्रों से बाकी ऊर्जा केंद्रों को यदि आप जागृत करेंगे तो हम 3-4 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। और हम ये देख रहे हैं कि YouTube चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, और लोग बात कर रहे हैं कि आज मैंने 100 लोगों को जो है ना मेंबर बनाया है, तो अच्छा। इसका मतलब है कि कुछ बड़े लोगों के प्रभाव में, कुछ अधिकारियों के प्रभाव में, कुछ शासन में बैठे लोगों के प्रभाव में YouTube ये काम नहीं कर पा रही जो उसे ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये एक इस बात का प्रतीक है कि इंद्र का सिंहासन कहीं ना कहीं हिलने लगा है, और यदि इंद्र का सिंहासन हिल रहा है तो ये एक विजय है, क्योंकि इंद्र का सिंहासन जब तक नहीं हिलेगा तब तक इंद्र को मजबूर भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आओ हम सब मिलके इंद्र को मजबूर करें, इंद्र के सिंहासन को थोड़ा सा और जोर से हिलाएं, और 2022 से 2024 में अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कोशिश करें कि वो सब बदलाव आ जाए जो कि हम चाह रहे हैं। यदि इस नहीं हो पाता है तो उसके बाद स्थिति में जो है फिर क्राइम फ्री एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, और वो सब फिर जो है 365 दिन पार्लियामेंट चले, फिर वो क्योंकि उसकी तो अलग तरीके से होगी, हमने उसके बारे में भी कहा है कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, तो बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा 1000 से अधिक वीडियोज हैं, उनको आप देखिए समझिए, जो आपको अच्छा लगता है उसे चिन्हित कर लीजिए, अपने कमेंट लिखिए, और उससे जो है जब आप ऊर्जा को आगे भेजें तो उन वीडियोज को आप दिखाइए जिसे जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, राइट जी? बिल्कुल। तो आपसे जुड़े हुए लोगों को भी वो प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन जिसको आप प्रभावित करते हैं उसे ऊर्जा का केंद्र घोषित करिए, राइट? और उससे वही शपथ लीजिए जो मैं आपसे लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बहुत जल्दी जो है अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि सभी आशाएं छोड़ चुका है, जो कि जिंदा रहने के लिए कैसे भी जो है ना 2 जून का खाना जो है ना व्यवस्था करना जिसके लिए मुश्किल हो रहा है, वो सब लोग में ऊर्जा भी आएगी, आत्मसम्मान भी आएगा, और शायद बदलाव का जो है ना एक आधार भी बनेगा, और ये देश जो है ना समृद्धशाली भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपको मेरी बात कुछ ठीक लग रही है या नहीं? सर ठीक ही नहीं, आपने तो ऐसी दशा दी है कि मैं कुछ अभी बोलने की स्थिति में ही नहीं हूँ। जी जी चलिए। वास्तव में कितना हम ऐसी ऐसी ऊर्जाओं के बीच में हम रह रहे हैं और हमें जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। निश्चित तौर पर सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, पूरा मेरा तन मन धन पूरा संगठन के लिए समर्पित रहेगा, और मैं बिना किसी उसके मेरी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं हम तो सर अस्त होती हुए सूर्य हैं, बस यही हमारे द्वारा समाज के लिए देश के लिए जरा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं गर्व महसूस करूंगा। सर पाठक जी हम जरूर कामयाब होंगे। और आपका इनिशियल क्या है पाठक जी? मैं सर ना यही रामपुर में मेरा प्रॉपर्टी का वर्क थोड़ा सा है वो देखता हूँ मैं। नहीं नहीं आपका पूरा नाम इनिशियल क्या? अच्छा इनिशियल नेम मेरा गिरीश कुमार पाठक। गिरीश कुमार पाठक। तो गिरीश कुमार पाठक जी पहले मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप कॉल लगाया और आप हमसे जुड़े, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ, और आपको जो है मैं ऊर्जा का केंद्र घोषित करता हूँ। आप अपना समय ले लें कि आप क्या जिम्मेवारी, किस ऊर्जा का केंद्र बनना चाहते हैं, प्रदेश ऊर्जा का केंद्र बनना चाहते हैं, रामपुर की ऊर्जा का केंद्र चाहते हैं, शहर की ऊर्जा का केंद्र करना बनना चाहते हैं, मोहल्ले की ऊर्जा का केंद्र, जो जो आपका आदेश होगा। नहीं ये ये खुद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि क्योंकि आप ऊर्जा का केंद्र बन रहे हैं, तो ऊर्जा का केंद्र तो जितने हो उतना अच्छा है ना। ऊर्जा के केंद्र कम थोड़ी करना, ऊर्जा के केंद्र तो करोड़ों में करना है ना। हाँ नहीं हम यहाँ रह करके सर, हम चूंकि हमारे पास तो एक
संगठन का एक दायित्व भी है राष्ट्रीय तो उसी उसी संगठन के जो लोग हैं तो, पहले हाँ, उन सभी को ऊर्जा का केंद्र बनाना। हाँ हाँ ये यही मेरा उद्देश्य है। हाँ। और उसमें चूंकि राष्ट्र मैं बैठा हूँ, मेरा मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ संगठन का। वाह वाह वाह। हाँ, तो मैं तो जो है ना राष्ट्र को देख रहा हूँ सर। तो इसके भी जो है ना महामंत्री ही अपने आप को मानिए। मैं तो सर आपको सब कुछ मान रहा हूँ जो मैंने आपको सोचा और देखा है मैंने। हालांकि जिस संगठन में मैं सर कार्य कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर हम लोग देश की एकता अखंडता सामाजिक समरसता के लिए मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं। बहुत हमारा एक मिशन चल रहा है सर, 15 अप्रैल में हम करीब 10 लाख लोगों के साथ मिशन वंदे मातरम के तहत हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं सर। इन्हीं मिशन वंदे मातरम में 10 लाख लोगों को 10 लाख ऊर्जा केंद्र घोषित कर दीजिए ना, मजा आ जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन सब हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में बैठते हैं, वो राजेश झा जी हैं। अच्छा, और राजेश झा जी को मेरा नमस्कार कहिएगा। और यदि उनको आप उनके नंबर यदि आप मुझसे शेयर करेंगे तो उनसे भी मैं 10 मिनट बात कर लूंगा। हाँ सर, वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस समय किसान मोर्चा के। जी जी हाँ, तो वो भी देख रहे हैं। बाकी हमारे साथ तो सर बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य है। अभी एक बड़े अधिकारी रहे हैं, आईपीएस लेवल के अधिकारी रहे हैं, वहां से राजस्थान से हैं सर, नाम सुना होगा, या आपके जूनियर कवि रहे हैं श्री इंदिरा सिंह जी। कभी संबंध मतलब कभी संपर्क में नहीं आए, वैसे तो मैं अधिकांश लोगों को जानता हूँ। जी 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 जी, तो वो भी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित हुए हमारे यहाँ। बाकी तो झारखंड से बधाई भी दीजिए। हाँ मैं सर ना वो वही तो कुछ ऐसे मैं लोगों को चिन्हित करूंगा जहाँ से फिर आप उनसे, हम लोग आप उनसे बात करिए और ऊर्जा का केंद्र घोषित कर दीजिए उनको, और वो अपना ओरिजिनल काम यथावित करते रहे। समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम इसमें अंतर विरोध ना लाए, वो अपना मूल काम करते रहे। दिस इज द एडिशनल, क्योंकि ये जो है ना डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा है, जहां हमें अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश करना है, जिससे कि अभी जो कई बार जो है उनका 56 इंच का चुना भी है और निश्चय भी है, लेकिन वो जो है ना कायरतापूर्ण ढंग से अपने ही जो है ना बीजेपी लोगों से, अपने ही बीजेपी के एडवोकेट से वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगा रहे हैं? यदि कुछ दुष्टों ने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो गड़बड़ियां की हैं, तो उसी मंदिर में आपको अब अधिकार प्राप्त ठीक कर दीजिए ना। आप क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो बस मेरा यही कहना है कि भैया जो है आपको थोड़ा सा यदि हम पुश करेंगे तो आपका दृढ़ शिक्षा, 56 इंच का चूना, और जो वो तो देखिए इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि आज के वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम जन नाद पैदा कर पाएंगे तो शायद उन्हें एनर्जी मिल जाएगी। उनके आसपास जो चाटुकारों का जो है और एडवाइजरों का जो नेटवर्क बना है वो उन्हें डरा नहीं पाएंगे, उन्हें समझ में आएगी कि जनता की आवाज क्या है, और बिना डरे जो है फिर बचे हुए 2 सालों में निश्चित रूप से जो है वो सब बदलाव आ जाएंगे, और संभवतः जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ही बना रहेगा, उसे पार्टी के रूप में अवतरित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर कोई नहीं, अब मैं सर आपसे बहुत अविलंब मिलता हूँ। चलिए आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं जो है अब मुझे चूंकि मेरा मूवमेंट काफी रहता है तो आप मुझे समय की पहले बता देना, सो आई शुड मेक इट श्योर दैट आई शुड बी अवेलेबल, है ना? और ये बात संभावना बन रही है कि शायद मैं योगीनाथ जी से मिलने यदि लखनऊ आता हूँ तो मैं आपको खबर कर दूंगा, ही मुलाकात हो जाएगी। नहीं सर, यूपी में आएंगे तो यूपी में आपका बस अब हम हैं, इसमें तो आपको बिना हम कैसे आने देंगे आपको? नहीं नहीं, हम आपके पास आएंगे। आप अच्छा सा बड़ा आयोजन करिए, अपन उनको संबोधित करेंगे, एनर्जी सभी लोगों को ऊर्जा केंद्र घोषित करेंगे ना। जी जी, देखिए मैं तो ऊर्जा केंद्र घोषित करने के अभियान में लगा हुआ हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तो हम सर व्यक्तिगत में आपसे मिलता हूँ, विस्तार से मुझे एक बार चर्चा आपसे जरूर करूंगा। जी, और आज से मैं वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये चीज को। हालांकि मैंने आपको सुना तो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा देखने को, सुनने को, सीखने के लिए। आप जो है YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी जी, और अपने जहां जहां ऊर्जा बांटे वहां भी सब्सक्राइब कराते जाइए, और जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन की हम मेंबरशिप अभी तक जारी नहीं किए हैं, जैसे ही हम जारी करते हैं तो फिर वो सबको मेंबर भी बना दीजिए आप। जी, और जो जो काम कर रहा है वो करता रहे, मतलब उसका किसी पार्टी से किसी उससे सोच से कोई लेना नहीं, तो अलग तरीके की राष्ट्रीयता है,
अलग तरीके की सोच है, अलग तरह की एनर्जी है, ये जो है दूसरे लोगों के आपके किसी दूसरे काम में कोई बाधा नहीं है उससे। पूरा हम सर को यूट्यूब पर देखें, क्राइम फ्री भारत, CRIME क्राइम, FREE फ्री, और BHARAT भारत, क्राइम फ्री भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, चलिए राइट, थैंक यू सर। और बाकी सर 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 टाइम कब होगा आपसे वार्ता करने का? आप जब भी फोन करेंगे आप जो ना मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, यदि मैं उपलब्ध हूंगा तो आपका फोन उठा ही लूंगा, नहीं तो मैं रिंग पे करूंगा। चलो चलो, ठीक है ना, ओके सर, ओके, जय हिंद जय भारत, जय हिंद सर, ओके सर, नमस्कार।